चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने आज सिरसा में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन का विधिवत उद्घाटन किया। आज से यह रेडियो स्टेशन अब किसानों के लिए समर्पित कर दिया गया है। इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन को हरियाणा सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्थापित किया गया है। इसके प्रसारण की शुरुआत से किसानों को मौसम संबंधी जानकारी, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की सलाह, पशुपालन एवं गृह विज्ञान से संबंधित नवीनतम जानकारी प्रदान की जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्र में स्थापित सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, क्योंकि ये रेडियो स्टेशन 25 किलोमीटर की परिधि में किसानों के लिए एक अत्यंत लाभकारी होगा। इसमें सभी तरह की किसानों के लिए जानकारी यहाँ के वैज्ञानिक देंगे, चाहे वो पशुपालन के बारे में हो, खेतीबाड़ी के बारे में हो, नवीनतम जानकारी जो भी कृषि क्षेत्र में है वो सभी तरह की जानकारी किसानों तक समय पर पहुँचे। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कोविड काल में सभी को हम यहाँ पर नहीं बुला सकते, किसान गोष्ठी नहीं कर सकती, तो उस संदर्भ में ये एक केंद्र आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इससे किसानों के और वैज्ञानिकों के संबंध घनिष्ठ होंगे, वो समय पर सभी तरह की जानकारी उपलब्ध पा सकेंगे। इसमें हम ये विवरण होगा कि जो भी फसल होगी, जो भी सीजन होगा, उसमें जिस प्रकार की फसल को सिफारिशें जो हमारी यूनिवर्सिटी करती हैं समय समय पर सभी उपलब्ध कराएंगे और मौसम की जानकारी भी देंगे, साथ में गृहणियों के लिए और हमारे जो युवा साथी हैं गांव में बेरोजगार हैं उनके लिए भी कैसे हम रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जाएंगी। और इस रेडियो स्टेशन पर हमारे किसान भाई और बहनें सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी लाभ उठा सकेंगे, वो अपने संगीत भी सुन सकेंगे और दूसरे ज्ञान का भी लाभ यहाँ से लेंगे। ये समय समय पर जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रहेगी और हम सोचेंगे कि ये किसानों के लिए लाभकारी है, तो वो जानकारी उसमें चाहे 3 कृषि कानून हो या कोई और हो, वो सब की जानकारी हम यहाँ से निरंतर देते रहेंगे। ये एक हरियाणा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय देश का सर्वप्रथम मतलब पहला विश्वविद्यालय बन गया है, जिसमें 7 सामुदायिक रेडियो ये जो स्टेशन है ये चालू हो चुके हैं। इसमें यहाँ पर एक नंबर भी है, तो उस पर भी वो अपनी समस्या कर सकते हैं, और टोल फ्री नंबर जिसको हम दे रखे हैं सरसा में भी है। और उसके अलावा किसान हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक है उनके लगातार फ़ोन में संपर्क रहेंगे और दूसरे कॉरेस्पोंडेंस भी कई तरह के माध्यम हैं वहाँ से, और कुछ इस तरह का भी हम आगे आने वाले प्रोग्राम इसमें करेंगे प्रसारण के अलावा, ताकि जैसे आजकल रेडियो स्टेशन कहीं करते हैं ऑल इंडिया रेडियो करते हैं फ़ोन इन उसमें, तो वो भी प्रोग्राम चलेंगे, तो उसमें वो सीधे डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये एक माननीय प्रधानमंत्री के जगह सपना था और एक नारा भी दिया था, उसी के तहत बहुत से कार्यक्रम मतलब शुरू किए गए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये दुगनी नहीं तो आमदनी तो ज़रूर बढ़ेगी, किंतु हम उसी दिशा में है भी दुगनी बढ़े। चौधरी चरण हरियाणा यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही बढ़िया गेहूं की नई किस्म WH 1270 निकाली है, और ये किस्म जो पहले किस्म निकाली गई जो उनसे 4 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ज़्यादा पैदावार देती है, और ये रोग रोधी है, जैसा कि मुख्य रोग हैं पीला रतुआ भूरा रतुआ, और वो रोग इस पर बिल्कुल नहीं लगते, और दूसरे रोग भी जैसे आपकी खुली कंगियारी है और सफ़ेद चुड़नी है उनके प्रति भी ये प्रतिरोगी है, और ये मैदानी इलाकों में उत्तर भारत के उनके लिए ये विकसित की गई है, क्योंकि जब से ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पे बैन लगाया है और तब से इसको ना जलाएं किसान, इसके लिए काफ़ी हरियाणा सरकार भी प्रयास कर रही है और यूनिवर्सिटी भी लगातार इस पे काम कर रही है, तो इसमें
क्या होता है कि आपने ये सच बताया, क्योंकि जब हम पराली जलाते हैं जितने भी पोषक तत्व उसमें पराली में होते हैं, लगभग जो भी हम नाइट्रोजन फास्फोरस जो भी हम डालते हैं फसल में, उसका कोई 30% रहता है, कोई 50%, कोई 80% उस पराली में रहते हैं। तो वो तो जलते ही हैं सारे, वो तो नष्ट होते ही हैं। उसके साथ साथ जब टेम्परेचर 300 से 500 डिग्री उसमें चला जाता है, तो वो उसके कारण, इतने हीट के कारण जितने भी हमारे सूक्ष्म जीव हैं, वो हमारे मित्र कीट होते हैं। और वो सूक्ष्म जीव जो हम, जिनको हम आँखों से नहीं देख सकते, वो 1 ग्राम में करोड़ों की संख्या में होते हैं। तो वो भी सारे मतलब नष्ट हो जाते हैं, और उससे जो हमारी भूमि की जो सेहत है वो काफ़ी हद तक मतलब गिर चुकी है।